इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम आपको अपने 60 मिलीमीटर रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप जो कि सिंगल आर्म टेबल टॉप डॉब्सोनियन स्टैंड के साथ में आता है, उसकी असेंबली कैसे करना है वो हम इसमें बताएंगे। तो अनबॉक्सिंग जब आप करेंगे तो आपका ये सिंगल आर्म डॉब्सोनियन है टेबल टॉप, ये हमारी ऑप्टिकल ट्यूब असेंबली है और ये हमारे ऑप्टिकल एसेसरीज हैं। 25mm और 10mm आईपीस है, 2x बारलो लेंस है, फाइंडरस्कोप है हमारी और रैक एंड प्रिंट फोकसर है। तो देखिए हम इसकी असेंबली शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा टेबल टॉप डॉब्सोनियन स्टैंड है इसमें आगे एक नट लगा हुआ है, इसे हम निकाल लेंगे और ध्यान रखें कि जो स्क्रू है इसमें दो पैड्स पड़े हुए हैं, फ्रिक्शन पैड्स, इनको लगे रहने देंगे। और फिर हमारी जो ये ट्यूब असेंबली है इसमें यहाँ पे एक थ्रेडेड होल है, इसको हमें इस बोल्ट के ऊपर स्क्रू करना है। तो ये जो हमारा थ्रेडेड होल है इसको इसके साथ मैच कर लेंगे और नॉब को स्लाइटली घुमाते चले जाएंगे, ये टाइट हो गया। अब यहाँ से हम इसकी टेंशन को, इसके रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसे लूज या टाइट कर सकते हैं, ये आपका नॉब ट्यूब के साथ ही मूव करेगा। फिर इसके बाद हम अपना, ये हमारा रैक एंड पिनियन फोकसर है, इसको लगा देंगे। इसमें देखिए एक होल है, इसको इस होल के साथ मैच कर लेंगे। ये हमारी फाइंडरस्कोप है, ये फाइंडरस्कोप के लिए ये आप देखिए यहाँ पे एक नट और वॉशर लगे हुए, इनको हम हटा लेंगे, इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। किसी प्लायर की हेल्प ले सकते हैं, इस नट को टाइट कर देंगे। ये इतना ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, यह ऐसे मूव ना कर सकें। फाइंडरस्कोप को अलाइन करना पड़ेगा हमें ट्यूब के साथ में। अभी आपकी टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन के लिए रेडी है। अभी देखिए यहाँ पे एक वेग नट दिया हुआ है, इससे आपकी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट है वो कंट्रोल की जा सकती है। यहाँ से हम टेंशन बढ़ा सकते हैं, यह हमारी अप डाउन मूवमेंट है। यह हमारे आई पीसेस है, ये फोकसर में इस तरह से हम इंसर्ट करके ये नॉब टाइट कर देंगे। तो ये अब हमारी टेलीस्कोप रेडी है ऑब्जर्वेशन के लिए। देखिए बहुत फाइन मूवमेंट्स हैं,